इसमें थोड़ा सा टाटा और महिंद्रा का रहता है ये मतलब एक्सपीरियंस खराब ही रहता है। हाँ हाइप क्रिएट करने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है, बट देखा जाए तो फॉर्च्यूनर फॉर्च्यूनर है, एक लेवल ऊपर की गाड़ी है इससे। ऐसा नहीं है कि कोई जबरदस्ती ऑब्स्टेकल में चढ़ा रहा हूँ, इस टाइप की टेस्टिंग नहीं करिए, पैसे लगे। उस स्कॉर्पियो का नाम महिंद्रा ने उठाया है या वापस डुबा ही दिया है? पेट्रोल में ये क्या ही एवरेज देगी। बात ये है कि 700 ज़्यादा कंफर्टेबल है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि स्कॉर्पियो एन लूँ या फिर 700। रवि भाई कैमरा पथेटिक है बिल्कुल बिल्कुल। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं मोटर बाइट। फ्रेम में जो गाड़ी आप देख रहे हैं वो है महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन, जिसका ओनरशिप रिव्यू आज हम आपके लिए लेके आए हैं। इस गाड़ी से ज्यादा हमारे पास आपके लिए कुछ है, और वो क्या है वो हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। इस गाड़ी में बहुत इंटरेस्ट है बहुत से लोगों का, बहुत जबरदस्त जो है वो बुकिंग्स चल रही हैं और लोगों को डिलीवरीज नहीं मिल रही हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि आज ओनरशिप रिव्यू आपके लिए हम लेके आए हैं। लेकिन ये गाड़ी किसकी है? ये गाड़ी है बहुत ही नोन पर्सनैलिटी की, जिनसे मिलने के बाद आपको गाड़ी में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, आपको उनमें इंटरेस्ट ज़्यादा बन जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए मैं इनवाइट करना चाहूँगा रवि भाई को। रवि भाई जो DDS से हैं, इनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, और हाइट और बिल्ड के हिसाब से देखा जाए तो गाड़ी वैसे सही ली है ना, गाड़ी बहुत जबरदस्त ली है सर आपने। इसको डिफरेंट करते हैं रवि भाई जी, ओनरशिप रिव्यूज आपने बहुत से किए हैं। सबसे पहले स्टार्ट करें कि आपका जो करियर है यूट्यूब करियर, वो आज जिस बुलंदियों पे है, लोग आपको प्यार करते हैं और एक जो अच्छी खासी सब्सक्राइबर फोर्स आप अपने साथ लेके चलते हैं, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? ये 2017 की बात है। मैं भी जॉब करता था, ठीक है, लगभग 2 साल के आसपास हुए जो मैंने जॉब क्विट कर दी है। तो 2017 में पहली वीडियो मैंने शूट करी थी, उसके बाद पब्लिश करी थी, लोगों को पसंद आई, उसके बाद वहीं से जर्नी स्टार्ट हो गई। तो सबसे पहली वीडियोस किस तरह की वीडियोस थी आपकी? वो मैंने मेरा एक दोस्त मुझसे गाड़ी चलाना सीख रहा था, तो उसको मैंने शूट कर लिया ऐसे ही मजाक के तौर पे। मेरे पास एक कैमरा हुआ करता था, हालांकि अब पता चला कि वो कैमरा किसी काम का नहीं था। अच्छा। तो मैंने शूट करा और उसको मैंने यूट्यूब में अपलोड करा, क्योंकि मैंने यूट्यूब में देखा था कि जो ड्राइविंग लेसन है उतने अच्छे तरीके से है नहीं, काफ़ी लोगों ने काफ़ी पॉइंट्स मिस किए हुए थे। मैं सोच रहा था कि मैं उसको शूट करके लोगों के सामने रखूं, तो रखा, लोगों को पसंद आया। उसके बाद लोगों की रिक्वेस्ट आई कि इस टॉपिक पे बनाइए, तो मैं उनकी रिक्वेस्ट पूरी करते गया, तो फिर वहीं से जर्नी स्टार्ट। तो शुरुआत एक तरह से एक हॉबी की फॉर्म में हुई थी, या एक जैसे कहते हैं कि कैमरा हाथ में था, आपने शूट करके यूट्यूब पे डाल दिया? ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि मुझे चैनल बिल्डअप करना है, ये करना है, आगे ये होगा मेरे साथ, इससे ये मोनेटाइज भी होगा, ये मुझे पता नहीं था, इससे एक पैसे भी कमाए जा सकते हैं, वैसा भी आइडिया नहीं था? नहीं था बिल्कुल। अच्छा, अब आपने जो स्कॉर्पियो एन ली है, ये कौन सा वेरियंट है और ये ऑन रोड आपको कितना पड़ा है? ये Z8L है, ऑटोमेटिक है, और ये 4x4 है, ये 27.5 का पड़ा है मुझे, ठीक है। हाँ। तो रवि भाई, इस सेगमेंट में तो बहुत सी कार्स हैं, आपने सारी कार्स ऑलमोस्ट चलाई हैं। जी जी। तो महिंद्रा स्कॉर्पियो एन ही क्यों? एन मुझे इस बार ना 4x4 लेना था, थार थी मेरे मन में, बट बात यहाँ पर ये है कि फैमिली के लिए कंफर्टेबल नहीं है। एक तरीके से देखा जाए तो ऑलराउंडर है ये गाड़ी, जो है फैमिली पर्पस के लिए भी है, और साथ के साथ इसको लेकर कहीं पर भी जा सकते हैं। कैसा रहा एक्सपीरियंस महिंद्रा के साथ? अभी तक तो काफ़ी अच्छा है, बट थोड़े बहुत सेल्स और सर्विस के थोड़े बहुत उनके तो रहते ही हैं, जिसमें थोड़ा सा टाटा और महिंद्रा का रहता है ये मतलब एक्सपीरियंस खराब ही रहता है। हाँ। इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं, बाकी और भी ब्रांड्स हैं और गाड़ियों की डिलीवरी भी लेते हैं हम काफ़ी लोगों के साथ, बट उसके कंपैरिजन में उतना अच्छा नहीं है। MXUV 700 की अगर बात करूँ तो इस प्राइस रेंज में वो भी मिल जाती है आपको? 700 लिस्ट में थी नहीं सर, बात ये है कि मुझे बॉडी ऑन फ्रेम गाड़ियाँ पसंद है, ठीक है, वो भी अपनी जगह में बहुत अच्छी गाड़ी है, अगर कम्फर्ट देखा जाए तो उसमें ज़्यादा अच्छा मिलता है, फीचर्स उसमें ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, बट बात यहाँ पर है कैपेबिलिटी की, कैपेबल ये गाड़ी उससे ज़्यादा है कहीं ना कहीं, और प्राइस रेंज आप देख सकते हैं, इस रेंज में इससे ज़्यादा कैपेबल कोई गाड़ी है नहीं। अगर हम फुल साइज SUV की बात करें, ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, तो मेन रीज़न एक ये भी था। तो इसको कहीं ना कहीं कंपैरिजन माना जाता है फॉर्च्यूनर के साथ, कंपनी ने जो लॉन्च किया वो कहा कि ये बिग डैडी है, और कहीं ना कहीं उसकी प्राइस रेंज ये है, इसकी प्राइस रेंज उससे काफ़ी कम है, आपको आपको लगता है कि ये कंपैरिजन में है कहीं भी? हाइप क्रिएट करने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है, बट देखा जाए तो फॉर्च्यूनर फॉर्च्यूनर है, एक लेवल ऊपर की गाड़ी है इससे। बिल्ड क्वालिटी की बात करें, इंजन रिलायबिलिटी की बात करें, तो फॉर्च्यूनर काफ़ी आगे, काफ़ी आगे अपने आपको प्रूव कर रखा है उसने, ये तो अभी अभी आई है,
50 तरीके की कमियां निकलेंगी अभी इसमें चलाने के बाद पता चलेगा। अभी तक जितनी चलाई है उसमें अभी आप ऑब्वियसली घर तक होके आ चुके हैं। ये तो मैं लेने से पहले भी काफी चला चुके थे, 1-2 हजार किलोमीटर, 2 से ज्यादा ही चलाया होगा। मैं लद्दाख लेकर गया था इस गाड़ी, इतनी लंबी टेस्ट ड्राइव शायद ही किसी ने करी होगी लेने से पहले। तो मेरे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर वहीं पर ही हो गए थे, तभी मैंने खरीदने का मन बनाया। अगर कोई लेना चाहता है, जरूरी नहीं है कि इसका 4x4 ले, 4x2 में भी काफी अच्छा परफॉर्म करती है, रियर व्हील ड्राइव है, फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियों से कहीं ना कहीं कैपेबल है, ज्यादा कैपेबल होता है। और दूसरी चीज ये है कि 2 व्हील ड्राइव में थोड़ा सा आपको कम्फर्ट ज्यादा मिलेगा, ये थोड़े से इसके हार्ड है सस्पेंशन। इंटीरियर की बात करें तो कितने प्रीमियम लगे आपको इसकी पुरानी स्कॉर्पियो से? वो तो बहुत ज्यादा, जमीन आसमान का अंतर आप कह सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है, मुझे डार्क कलर ही पसंद है, तो गंदा नहीं होता है। 6 फीट का बंदा गाड़ी चलाए तो पीछे मैं आराम से बैठ सकता हूँ। सफारी और XUV700 में थोड़ा सा अच्छा स्पेस मिल जाता है सेकंड रो में और थर्ड रो में भी। थर्ड रो में भी सफारी में स्पेशली थोड़ा सा ज्यादा बेटर है, उसमें स्लाइड का ऑप्शन है, आप एडजस्ट कर सकते हैं तीनों रो को अपने हिसाब से। और इसका 4x4 एंगेज आपने किया, ट्राई किया, कैसा है इसका एक्सपीरियंस, कैसा है परफॉर्मेंस, कैसा है? लद्दाख में किया था, यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ी, प्लेन रोड है, कभी स्पीति करेंगे, विंटर स्पीति का प्लान है मेरा, तब जाके काम आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई जबरदस्ती ऑब्स्टेकल में चढ़ा रहा हूँ, इस टाइप की टेस्टिंग नहीं करिए, पैसे लगे। सही बात है। अच्छा, एक जो पैर रख के चढ़ने वाली फील आती है जो प्रॉपर एसयूवी में होती है, वैसी फील आती है इसमें चढ़ने की, उसमें कैसे कितना मजा आ रहा है? मजा आता है। अभी मैंने देखा जब आपने गाड़ी में बैठे प्रॉपर एक इसके ऊपर आपने पूरा अपना वेट डाल के फिर एंट्री करी, उसका एक तरीका है कि पूरा आप इसको डोर हैंडल को ग्रैब करें उसके बाद एंट्री करें। वैसे मैं वैसे भी चढ़ सकता हूँ, आप तो वैसे भी चढ़ सकते हैं, जब पैंट वगैरह थोड़ी सी टाइट हो इस टाइप से तब ऐसे चढ़ना पड़ता है। और वैसे भी कहा जाता है ना कि इस तरह के एसयूवीज में या फॉर्च्यूनर में इसका तरीका होता है कि आप इसको पहले आप इसको चढ़ो फिर वहां से एंट्री करो, ये एक अलग फीलिंग है, ये अलग फीलिंग है। तो रवि भाई, आपने बहुत से लोगों को बैक सीट पे बिठाया है, उनकी नई नई गाड़ियों में पीछे बिठा करके आपने उनकी गाड़ी चलाई है, तो क्यों ना आज वैसा हम भी कुछ करें, बिल्कुल कर लीजिए। आपको आपकी गाड़ी में पीछे बिठाते हैं और ओनरशिप रिव्यू के में इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस करते हैं। आइए प्लीज। ओके, तो हम रवि भाई की स्कॉर्पियो में बैठ चुके हैं और रवि भाई को हमने पीछे बिठा दिया। रवि भाई, आप अपनी अपनी गाड़ी में पीछे बैठे हैं या फर्स्ट टाइम बैठे? कई बार। अच्छा, इसमें पीछे बैठ चुके हैं ऑलरेडी। हाँ जी, हाँ। इसमें आपने जो है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को क्यों चूज किया? बहुत हो गया था मैनुअल चलाते जाते, बाकी सारी गाड़ियां मेरे पास मैनुअल है। और दूसरी चीज ये है कि फैमिली में सब लोग ड्राइव कर पाए, ये था सबसे बड़ा लॉजिक इसके पीछे। इतना पैसा आप लगा रहे हैं तो थोड़ा सा पैसा एड ऑन करके आप कंफर्ट ऐड कर सकते हैं, एक गाड़ी तो ऑटोमेटिक होनी चाहिए घर पे। अच्छा, इससे पहले रवि भाई कौन सी गाड़ी चला रहे थे आप? टिगोर है मेरे पास, बुलेरो है, रिड्ज है, फोर्ड इकोस्पोर्ट भी है मेरे जी जी जी। अच्छा, बॉडी ऑन फ्रेम में बुलेरो ओन करता हूँ अभी भी है मेरे पास, ठीक है, और वो गाड़ी मेरे लिए स्ट्रेस बस्टर है, बड़ा मजा आता है उसको चलाने में। तो आई थिंक वो आपकी फेवरेट कार्स में से एक है, कह सकते हैं स्ट्रेस बस्टर, मैं आपको बता रहा हूँ ना क्योंकि पूरा इंगेज होके चलाता हूँ मैं उस गाड़ी को। अच्छा जी, को ये माइलेज कितना दे रही है? माइलेज काफी कम है सर इस गाड़ी का, मैंने टैंक टू टैंक मेजर करा था, मैं उत्तराखंड से आया हूँ कल, ठीक है, तो 12.4। तो कितना कंपनी कितना क्लेम करती है इस वेरिएंट में, क्या क्या एक्सपेक्टेड रहता है? क्लेम तो कंपनी कुछ भी करे, बट बात ये है कि थोड़ा सा एग्रेसिव है इसका जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आप देख रहे होंगे जी, अगर आप पैडल दबाते हैं तो तुरंत रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है, तो ये ही थोड़ा सा फ्यूल ज़्यादा बर्न कर देता है। अगर आप लाइट फुट में चलाते हैं उसके बाद भी आपको बहुत ही मतलब ध्यान से पैर रखना पड़ता है, उसके बाद क्रूज में अगर चलाएंगे तो आपको अच्छा एवरेज मिलेगा। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर क्रूज में चलाएंगे तो 14 के आसपास, 13-14 के आसपास आएगा, आराम से मिल जाएगा अगर आप हाईवे में 80-90 के आसपास चलेंगे, ठीक है। तो मेरा जो एवरेज है वो 100 के आसपास है। थ्रॉटल है जो बेसिकली पुश है वो बहुत जबरदस्त निकल के आ रहा है और ब्रेकिंग भी बहुत बाइटी है, एकदम बाइट आपको फील होगी ब्रेक में। जी जी। रवि भाई, स्टेयरिंग की बात करें तो स्टेयरिंग कैसा लगा आपको इसका? स्टेयरिंग कंफर्टेबल है, स्लो स्पीड में काफी लाइट है और तेज स्पीड में अगर आप अभी चलाएं यहाँ पर तो आपको महसूस होगा कि अच्छा खासा वेट इसमें आ जाता है। आप 60-80 के आसपास चलाइए, आपको महसूस होगा। जैसे XUV 700 का स्टेयरिंग रहता है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत लाइट है, ये लगभग उसी लेवल का है। ये वैसे देखने में तो गाड़ी जो है काफी भारी भरकम लगती है, स्टीयरिंग के पीछे अगर आप बैठे हो तो आपको नहीं लगेगा कि इतनी बड़ी गाड़ी चला रहे हैं। हाँ, खिलौना चला रहे हैं ऐसा लग रहा है।
अच्छा इतना सीरियसली जैसे आप इतनी बड़ी गाड़ी चला रहे हैं, आपको लगेगा नहीं कि इतनी बड़ी गाड़ी आप चला रहे हैं। अच्छा रवि भाई, इसमें जो ट्रांसमिशन जो गियर शिफ्टिंग हो रही है वो आपको फील होती है, या जैसे गाड़ी जो थोड़ी सी उठ रही है हल्का सा आपको लग रहा है कि एक्सेलरेशन ज्यादा देना पड़ता है स्टार्टिंग में? देखो भारी गाड़ी है, 2200-2300 किलो की है, तो थोड़ा सा देना पड़ेगा। अगर आप 0-100 टाइप की चीज करना चाहते हैं जी, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो काफी स्मूथली ये चलती है। अगर आप बैक टू बैक सफारी चलाएं तो आपको डिफरेंस महसूस होगा कि ये काफी अग्रेसिव है उससे। नहीं, उससे काफी अग्रेसिव है, सफारी से तो नो डाउट काफी ज्यादा अग्रेसिव है, लेकिन इसका जो पुश है, जो आप एक्सेलरेट करते हैं ना जब, तो वो बहुत जबरदस्त आ रहा है। बात पता है क्या है, इसमें मोड नहीं है, अपनी फुल पोटेंशियल के साथ चल रही है। एक्सयूवी में जब आप नॉर्मली चलाते हैं वो जैप में चलती है, जो इसका टू व्हील ड्राइव वर्जन है वो भी जैप में चलता है नॉर्मली। अच्छा, ये जूम में चल रही है, आप मान के चलिए। तो ये ऑलरेडी इन्होंने जो है बाय डिफॉल्ट सेट किया हुआ है मोड जो है इसका, जूम मोड पे ही है, इस वजह से ज्यादा एग्रेसिव है, और साथ के साथ इसी वजह से फ्यूल एफिशिएंसी काफी कम है इसकी। जो स्कॉर्पियो के शौकीन लोग हैं, जो पसंद करते थे स्कॉर्पियो को और उसमें मॉडिफिकेशंस भी चाहते थे, उनके लिए ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिया है महिंद्रा ने, कि भाई आपको स्टेट ऑफ द आर्ट जो इंटीरियर भी दे दिया और उसके साथ साथ आपको परफॉर्मेंस भी दे दिया। बाकी जिनको पुरानी स्कॉर्पियो पसंद है उनके लिए पुरानी स्कॉर्पियो तो है ही है। बात ये है कि अगर स्कॉर्पियो के बेसिक मॉडल आ जाए ना मार्केट में, मुझे नहीं लगता है कि कोई क्लासिक में जाना चाहेगा। अगर एक बार एक्सपीरियंस करने को मिल जाए वो, बात ये है कि एक्सपीरियंस करने को नहीं मिल रही है, वो माइंड में आ ही नहीं रहा है कि हम स्कॉर्पियो लेंगे, क्योंकि ये 27-28 लाख के आसपास पहुंच जाती है जो अभी वेरिएंट मिल रहे हैं। बुकिंग बहुत ज्यादा है, डिलीवरीज लोगों को नहीं मिल रही है। रवि भाई, तो आपका जो है वो बुकिंग कैसा था, मतलब पहले दिन आपने बुकिंग कर दी थी और डिलीवरी आपको किस तरह से टाइम पे मिल गई? बुकिंग का सीन सर थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब जैसे मैं हूँ, मुझे ये गाड़ी चाहिए थी तो मैंने 2 बुकिंग करवाई थी। अच्छा, ठीक है। कई लोगों ने अपने फैमिली मेंबर्स के नाम भी करवा रखी, किसी ने 3, किसी ने 4। ठीक है, अगर घर में एक गाड़ी मिल गई किसी को तो वो 4 बुकिंग कैंसिल करवाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपका जो है सिस्टम में देखने को मिल रहा है कि 2024 में गाड़ी आएगी तो 2024 में ही आएगी, ऐसा नहीं है, आपको 6 महीने में भी मिल सकती है गाड़ी। तो ये सीन है। और दूसरी चीज, ये डीलर टू डीलर भी वेरी करेगा। जी जी, कि उस डीलर के पास कितनी गाड़ियां निकल रही हैं महीने में और कितनी उसके पास डिलीवरीज आ रही हैं। वैसे प्रोडक्शन कैपेसिटी तो इन्होंने बढ़ाई है थोड़ी बहुत, 3-3, 4-4 बुकिंग है, गाड़ी लेनी है एक। अभी मैंने दूसरी बुकिंग अपनी कैंसिल नहीं करवाई है। अच्छा। तो वो भी अब काउंट हो रही होगी अभी फिलहाल। वो मैंने Z8 करवाया था सिर्फ 4x4 का। अच्छा, वो मुझे 2024 दिखा रहा है। बाकी ये जो ब्लैक कलर आपने लिया है, ये बाय चॉइस था कि या बाय लक है? ये बाय लक है सर। अच्छा, ये बाय लक है। हाँ, ये तो लोग तो ब्लैक कलर मांगते हैं सर, मिलता नहीं है उनको। मेरा फॉरेस्ट ग्रीन था। अच्छा, और बट ये है, शायद ये गाड़ी किसी की कैंसिल हुई थी। अच्छा। हाँ, तो उस वजह से मेरे पास ऑप्शन आया था कि ब्लैक चाहिए, मैंने कहा दे दो अगर मिल रही है तो ले लो। लोग तो ब्लैक मांगते हैं, मिलती नहीं है उनको। बट ये है कि अब सामने खड़ी होती है फॉरेस्ट ग्रीन, तो ये ज्यादा बढ़िया लगती है, थोड़ा सा बड़ी गाड़ी का भी फील आता है उसके सामने। जो इंटीरियर्स में, जो अगर हम इंफोटेनमेंट की बात करें या बाकी ओवरऑल टेक की बात करें, तो महिंद्रा जो टेक में अपने आप को प्रूव करता है, क्लेम करता है, वो चीज एक्चुअल में मिल रही है या कहीं ना कहीं कुछ है जो आपको लगा हो कि कहीं कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? देखो, टेक वाला जो पार्ट है इस गाड़ी का, मैंने इतने अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं किया है क्योंकि मैं अभी गाड़ी को इंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा, बाकी इसका अभी आप ड्राइविंग एक्सपीरियंस एंजॉय कर रहे हैं बेसिकली। दूसरा, म्यूजिक सिस्टम काफी अच्छा है, टच कंट्रोल अच्छे हैं। अगर मैं सफारी से कंपेयर करूं तो थोड़ा सा 19-20 का अंतर है इसकी साउंड क्वालिटी में, उसमें हरमन का मिलता है, इसमें सोनी का है। बट कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी थोड़ा सा मुझे अच्छी लगी। अच्छा, आपको उनके हरमन के स्पीकर जो है क्वालिटी है वो ज्यादा बेटर लगे एज कंपेयर टू? जी जी, अब हो सकता है कि सिर्फ मुझे ही लग रही हो, किसी और का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, बट मुझे ये लगा। और बाकी रिस्पांस वगैरह काफी अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें आपको बैक कैमरा मिला है? हाँ, बैक कैमरा है, फ्रंट भी है इसमें। अच्छा, फ्रंट कैमरा भी है और सेंसर्स वगैरह सारे? जी जी, फ्रंट एंड बैक दोनों है, और इसमें 360 नहीं है, बाकी सब है। पर थर्ड रो में उन्होंने एसी वेंट्स और आप क्या कहते हैं चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह वो सब हटा दिए? बिल्कुल हटा दिए। और देखो, थर्ड रो मेरी फोल्ड है, हाँ, फर्स्ट डे से फोल्ड है और कभी ये काम भी नहीं आएगी मुझे ऐसा लगता है। तो ये मेरे लिए 5-सीटर गाड़ी है। 5-सीटर गाड़ी, मैं वही कह रहा हूँ, आपने उसको बंद कर रखा है तो उसको आप, मेरे ख्याल से वो लगेज वगैरह के लिए ही काम आएगा। सही समझा आपने। पीछे ये इस एसी वेंट का थ्रू काफी अच्छा है,
और पीछे अलग यूनिट है इसका, जो ब्लोअर होता है ना आपके आर्म रेस्ट के नीचे माउंट है, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे मतलब बहुत जल्दी कूल कर देता है, काफ़ी अच्छा थ्रो भी है, हमें आगे वाली एसी के डिपेंड नहीं रहना पड़ता। टर्निंग रेडियस की बात करें, कॉर्नरिंग की बात करें, तो ये सारी चीज़ें कितनी इम्प्रूव्ड है पुरानी स्कॉर्पियो से, जहाँ पर वो झूलती थी और बहुत सारी दिक्कतें थी, बॉडी रोल बहुत ज़्यादा था, यहाँ पर उस स्कॉर्पियो का नाम महिंद्रा ने उठाया है या वापस डुबा ही दिया है? डुबाया नहीं है, उठा है मेरे हिसाब से, तो अगर देखा जाए तो काफ़ी इम्प्रूव करा है गाड़ी को। अगर स्कॉर्पियो नहीं देते नाम तो हो सकता है कि इसकी इतनी सेल्स नहीं होती, बट एक्चुअल में प्रोडक्ट अच्छा है। तो आपने जो लिया है वो प्रोडक्ट देख के लिया है या नाम देख के लिया? बिल्कुल प्रोडक्ट देख के, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो नाम देखकर ही गाड़ी लेते हैं कि स्कॉर्पियो लेनी है। देखिए नाम देख के बहुत सारे लोग हैं ना जो देखकर गाड़ी को डिसाइड करते हैं, और देखा जाए कहीं ना कहीं अभी भी स्कॉर्पियो जो क्लासिक है उसकी रोड प्रेजेंस अभी भी लोगों की आंखों में चढ़ी हुई है। हाँ। वो ज़्यादा अच्छी लगती है, स्पेशली पीछे से मुझे तो काफ़ी अच्छी लगती है स्कॉर्पियो जो क्लासिक है। बट अगर आपने कोई प्रोडक्ट लेना है तो आपने देखना होगा कि आपके कितने काम आ रहा है, तो ये चीज़ ज़रूरी है। उसमें फोर व्हील ड्राइव होता है और वो थोड़ा सा सस्ता होता, तो हो सकता है कि उस पर भी जाया जा सकता है। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी कोई टाइम के हिसाब से जो एडवांस प्रोडक्ट है आपके पास मार्केट के अंदर, उसे प्रेफर करना चाहिए। कैबिन नॉइस इसमें काफ़ी कम है, कैबिन नॉइस अभी तो बिल्कुल ना के बराबर है, हालांकि अभी हमने गाड़ी उस स्पीड पे नहीं भगाई है कि जहाँ पे हमें इंजन साउंड या बाहर की कोई भी साउंड यहाँ पर आए। हाँ, बट लेकिन काफ़ी साइलेंट इसका कैबिन है जी। थोड़ा सा स्पीड यहाँ पे गेन करके देखते हैं रवि भाई, 2000 RPM के आसपास गियर शिफ्टिंग होती है इसकी, 2200 के आसपास। हाँ जी, अगर लाइट फुट है तो 1800-1900 भी हो जाती है कभी कभार। और इसका टर्बो कब हिट कर जाता है? 1600-1700 के बाद आपको फील होने लग जाएगा, पुल करने लग जाएगी गाड़ी, पुल करने लग जाएगी। हाँ। जैसे अभी फिलहाल जो है 1800-1700 में है तो आपको फील हो रहा है। और सिक्स्थ गियर पे ये 100 की स्पीड में 1800 के आसपास चलती है, जबकि आपकी जो मैनुअल है वो 2100-2100 के आसपास, 2200 के आसपास। अच्छा रवि भाई, डीजल लेने का क्या रीजन था? दिल्ली NCR में जैसे डीजल का इशू रहता है, 10 साल वाली लिमिट रहती है, तो आपको उतनी गाड़ी रखनी नहीं है या फिर, और आपको लगता है कि डीजल में जो परफॉर्मेंस है वो पेट्रोल में कभी आ नहीं सकती, इसलिए? बिल्कुल, ये दूसरी बात आपकी बिल्कुल सही है, परफॉर्मेंस प्लस फ्यूल एफिशिएंसी, पेट्रोल में ये क्या ही एवरेज देगी। पेट्रोल तो वैसे लोग रो रहे हैं, XUV700 पे भी लोगों ने ले जरूर ली, लेकिन दूसरी चीज ये है कि पेट्रोल में 4x4 का ऑप्शन ही नहीं है जी। हमारी रनिंग काफी है, एक हफ्ते में 1600-1700 किलोमीटर हमने चला ली है, इससे ज्यादा ही चलेगी तो वो आपको पेट्रोल में कभी भी जो है वो वर्थ नहीं मिल पाएगी जी। अगर आप मुझसे एक हफ्ते के बाद मिल रहे होते तो आपको जो नंबर है इस गाड़ी में मिलता है UK, इसको यहाँ से रजिस्टर भी नहीं करवा रहे हैं, हम अपने होम टाउन से करवाएंगे। सस्पेंशंस कैसे लगे आपको रवि भाई? इसके सस्पेंशंस काफी थोड़ी स्टिफ साइड पे है या सॉफ्ट साइड है, कैसे है सस्पेंशन? थोड़े स्टिफ साइड में है अगर देखा जाए, अगर हम पुरानी वाली स्कॉर्पियो से कंपेयर करें, थोड़ा सा कुशनी इफेक्ट रहता था उनमें। इसीलिए वो झूल जाती थी थोड़ी। हाँ, थोड़ा सा स्लो स्पीड में इसमें कुछ नहीं आता, जैसे अभी आपने ब्रेकर से निकाला। हाँ। तो उतने स्टिफ नहीं थे, वहाँ नहीं पता लगेगा। हाँ, आप अगर तेज चलाएंगे और छोटे मोटे पॉट होल्स वगैरह आएंगे तो आपको तब फील होंगे वो, तो वो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अच्छा भी है। राइट, इसका जो नाइट में जो हेडलाइट्स का थ्रो है वो किस तरह का है रवि भाई, कैसा लगा? बल्ब चेंज करने की जरूरत है? नहीं नहीं, मुझे तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि डिसेंट है, XUV700 जैसा नहीं है। अभी जैसे मेरी हाइट के हिसाब से मैंने अपनी सीट एडजस्ट कर रखी है, तो रवि भाई के पास नो डाउट काफी स्पेस होगा, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे, क्योंकि रवि भाई की हाइट जो है वो बहुत अच्छी है, तो अगर 6 feet 4 inches के बंदा अगर पीछे बैठता है तो भी कितना स्पेस है, एक बार आप दिखा दीजिए। स्पेस तो ठीक है, हेडरूम भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा अंडर थाई सपोर्ट मेरे लिए उतना अच्छा नहीं है। तो ये फ्रंट सीट में अंडर थाई सपोर्ट आपको कैसा लगा रवि भाई? ओके ओके, उतना ज्यादा अगेन थोड़ा सा और एज होना चाहिए था। राइट, बात यह है कि 700 ज़्यादा कंफर्टेबल है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि स्कॉर्पियो एन लूँ या फिर 700, अगर आपने हाईवे में ही ज़्यादातर चलना है और फैमिली पर्पज़ के लिए गाड़ी चाहिए जी स्पेशली, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल है, वो ज़्यादा अच्छा डिसीजन रहेगा। अच्छा, और अगर आपको हाईवेज की पे ज़्यादा जाना है या पहाड़ों पे ज़्यादा जाना पसंद करते हैं या वहीं रहते हैं तो फिर
इस तरह या एडवेंचर पसंद है तो फिर आपके लिए ये गाड़ी ज़्यादा बेटर रहेगी। जी बिल्कुल सही कहा। अगेन जैसे एक हाथ से आप स्टेयरिंग ऑपरेट कर सकते हैं, तो इतना लाइट स्टेयरिंग है कि एक हाथ से आपका आराम से टर्न हो जाता है। थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज करके देखते हैं कि वेट ऐड होता है कि नहीं। अभी हम लोगों की स्पीड ऑलमोस्ट 80 है और अच्छा खासा वेट जो है स्टेयरिंग ने ऐड कर लिया है, तो ये कॉन्फिडेंस देता है रवि भाई। जब आप 100 की स्पीड से भगाते हैं तो एक स्टेयरिंग आपको स्टेबल मिलता है, वेट ऐड मिलता है उसमें। जी, और साथ के साथ ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी। ब्रेकिंग तो बहुत ज़बरदस्त है, एक बाइट जो आपको मिल रहा है ब्रेक में वो बहुत ज़बरदस्त है। और ऐसा भी नहीं है कि जब आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा झटका फील हो रहा हो कि यार जो पीछे वाले लोग हैं वो आगे की तरफ आ रहे हो, ऐसा भी नहीं है। पर बाइट बहुत अच्छा है, जो स्टेबिलिटी है उसमें वो आपको काफ़ी अच्छी मिल रही है, जिससे कि गाड़ी ब्रेकिंग बहुत अच्छा ले रही है। तो डायनेमिक लाइंस के साथ कैमरा क्वालिटी, रवि भाई कैमरा पैथेटिक है बिल्कुल बिल्कुल। अभी डे लाइट है पूरी यहाँ पर, लेकिन फिर भी चीज़ें जो हैं क्लियर नहीं है। अच्छा एक वैसे जनरल क्वेश्चन है रवि भाई, कैमरा एक अच्छा देने में क्या कॉस्टिंग जाती है या क्या रीज़न रहता है कंपनीज का कि कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं रहती? मुझे ये लगता है वो लोग ये सोचते होंगे कि एक कैमरे के चक्कर में गाड़ी थोड़ी छोड़ेगा इंसान। पर कितनी कॉस्ट सेविंग हो जाएगी कैमरे? 1,000-2,000 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम आफ्टर मार्केट जो कैमरा लगवाते हैं उसकी क्वालिटी काफ़ी मच बेटर है। मतलब डे छोड़िए, अब नाइट में भी इतने क्लियर होती है कि आपको पीछे कुछ छोटा सा भी कुछ आ जाए तो दिख जाएगा। तो कंपनीज क्यों नहीं कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छा देती? ये आज तक मेरे भी समझ में नहीं आई। VW की गाड़ियाँ इतनी अच्छी हैं, उनके कैमरे देखिए, उसमें तो डायनामिक लाइंस तक नहीं है, वो दे रखी है सीधी रहती है बस। वो कहीं ना कहीं अगर कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपसे कोई गलती हो जाती है तो वो पीछे से जाके लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो फ्रंट कैमरा में भी डायनामिक लाइंस है। अब ये मुझे पता नहीं थोड़ा सा बेटर लग रहा है उसे या ऐसे ही लग रहा है? सेम क्वालिटी हो सकता है कि उसके पीछे धूल वगैरह लगी हो। अच्छा, तो यहाँ से आप ये जूम आउट भी कर सकते हैं क्या? स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अच्छा, हाँ। तो आपको कोई प्रूफ लेना है किसी जगह तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अच्छा, वो गैलरी भी सेव भी हो गया। जी ठीक है रवि भाई, तो बाहर चल के थोड़ा कंक्लूड करते हैं इसको। जी जी बिल्कुल। ऑटोमेटिक और मैनुअल का फर्क दिया 17 इंची और 18 इंची वाला, वो क्या रीजन हो सकता है? कॉस्ट कटिंग कह सकते हैं आप उनको। देयर इज अ टेक्निकल रीजन बिहाइंड इट या ऐसे? मुझे तो नहीं लगता कि कोई टेक्निकल रीजन होना चाहिए। और काफी चीजें इन्होंने ऑटोमेटिक में 4x4 में दी है, मैनुअल टॉप वेरिएंट में नहीं दिए, जैसे वायरलेस चार्जर वगैरह। अच्छा, ये वायरलेस चार्जर नहीं है उसमें? हाँ, ये चीजें समझ में नहीं आई पता नहीं क्यों ऐसा, क्योंकि कॉस्ट भी काफी अच्छी पे कर रहा है मैनुअल वाला भी बंदा। ठीक है, और साथ के साथ ऐसा करना नहीं चाहिए। XUV 700 में भी जो फीचर्स हैं, मतलब तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करे नहीं है उन्होंने, नहीं करे वेरिएंट के हिसाब से। वो एक्चुअली कहीं ना कहीं फोर्स किया जाता है कि आपको टॉप वेरिएंट की तरफ जाने के लिए आप एक 7L लीजिए, तभी आपको वो सारी चीजें मिलेंगी। बट ये है 17 इंच के जो व्हील्स हैं उनका कहीं ना कहीं बेनिफिट है, आपको अच्छी राइड क्वालिटी जरूर मिल जाती है। ऑटो फोल्डेबल मिरर्स वगैरह, ऑटो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड, ये सारी चीजें, ये वैसे भी टॉप वेरिएंट है, टॉप वेरिएंट है जी, तो इसमें तो सारी चीजें आती हैं। बट ये है कि 360 दे देते तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, इतनी बड़ी गाड़ी के लिए 360 दे देते तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि ऑलरेडी ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, उनकी और गाड़ी में आ रही है ये चीज। तो इनको इस गाड़ी को कहीं ना कहीं 700 से नीचे रखा गया है, अगर सारे फीचर्स मिल जाए तो फिर 700 कौन खरीदेगा? सेल खत्म हो जाएगी, ये बिकेगी नाम पे। हाँ। वो बिकेगी फीचर्स पे। हाँ। ठीक है, तो रवि भाई इसको कंक्लूड अगर हम करें तो सारे पॉइंट्स अगर अपने माइंड में रखें तो आप इसको आउट ऑफ 10 क्या रेट करेंगे? हम हर अपने ओनर से लेते हैं लेकिन आपके साथ लेंगे तो एक जेन्युइन निकल के आएगा, तो आउट ऑफ 10 क्या देंगे? थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपकी नीड है एक्चुअल में स्कॉर्पियो लेने की तभी जाएं, जरूरी नहीं है कि आपने सिर्फ नाम से ले ली, क्योंकि काफी चीजों में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और 700 बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आपको कंफर्ट वगैरह चाहिए तो। वैसे देखा जाए तो मैं इसको 10 में से 8 दूंगा। फीचर्स मिसिंग है, 360 डिग्री कैमरा हो गया। हाँ, और म्यूजिक सिस्टम और अच्छा हो सकता था, कैमरे की क्वालिटी और अच्छी हो सकती थी, अंडर थाई सपोर्ट और अच्छा हो सकता था बिल्कुल। और रियर सीट्स में आपको जो है ऑप्शंस दिए जा सकते थे, एयर फ्लो वेंट्स के और चार्जिंग ऑप्शंस दिए जा सकते थे, बिल्कुल दिए जा सकते थे। और दूसरा, जब इन्होंने
सीटों का फेस आगे की तरफ रखना था गाड़ी में, तो इन्होंने जो पीछे वाला डोर है ना ऊपर की तरफ खुलने वाला होना चाहिए था, उसका कोई सेंस नहीं है। पर वहाँ पे फिर वो स्कॉर्पियो की जो एक्चुअल यूएसपी वो खत्म हो जाती है, उससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो नहीं लगता। बट काम वो ज्यादा अच्छा आता है मेरे हिसाब से, तो इसका कोई लॉजिक ही नहीं। आप पीछे आके देखिए ना, ये यहाँ पर दरवाजा खोलने के लिए इन्होंने लीवर दे रखा है, हाँ। जबकि इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि बंदा तो आगे की तरफ बैठेगा। थर्ड रो अगर आपकी खुली हुई है तो वो पीछे की तरफ कहाँ से हाथ डालेगा, वो बिल्कुल खोल नहीं पाएगा। कई चीजें ऐसा लगता है कि इन्होंने बाद में सोची। कैपेबिलिटी के मामले में गाड़ी बहुत अच्छी है, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम काफी अच्छा है इसका, जब ऑफ रोड टेस्टिंग वगैरह कर रहे थे तो काफी कैपेबल गाड़ी है, गो एनीवेयर टाइप की गाड़ी है, आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं। हिल असिस्ट वगैरह ये सारी चीजें अच्छे से काम करता है, क्रूज अच्छे से काम करता है, हाँ। इसका जो है MLD भी काफी अच्छे तरीके से काम करता है, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी काफी, जैसे आप लद्दाख जैसे टेरेन में जाते हैं तो फोर व्हील ड्राइव की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो नॉर्मल जो रियल व्हील ड्राइव इसका ऑप्शन है वही आपको जो है काफी 80-90% वही आपका निकाल देगा। बहुत रेयर आप स्पीति जाते हैं, स्नो है या बहुत ज्यादा हार्श कंडीशंस हैं वहां पर आपको हो सकता है कि अप्लाई करना पड़े। तो आपने पॉइंट्स दिए 8, वो की जो 2 पॉइंट्स काटे हैं वो ये सारी चीजों के लिए रवि भाई ने, कंफर्ट एंड फीचर्स के लिए। और एक और चीज जो यहाँ रवि भाई ने बहुत अच्छी मेंशन करी वो ये कि आपकी रिक्वायरमेंट अगर ये सारी चीजों की है तो आप इस गाड़ी के लिए जा सकते हैं, नहीं तो इसके अलावा आपके पास XUV700 का भी एक अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप लेट हो गए हैं इन दोनों गाड़ियों को बुकिंग करने में तो आपके पास सफारी का भी अच्छा ऑप्शन। तो थैंक यू सो मच रवि भाई चैनल पे आने के लिए और हमें यहाँ बुलाने के लिए, अगेन थैंक यू सो मच आपका। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा जिसमें हमने आज एक थोड़ा डिफरेंट तरीके से ओनरशिप रिव्यू किया है। 2 खास चीजें आज हुई है, एक तो स्कॉर्पियो N और उससे ज्यादा खास चीज, अरे सर रवि भाई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, अरे सर ये जो ऑटोमोबाइल की जो आप कह सकते हैं कि सेगमेंट है यूट्यूब पे, ये शुरुआत में ओनरशिप रिव्यूज शुरुआत करने वाले आप हैं सर, तो ये चीजें हम इसको जो है काफी रिगार्ड करते हैं आपका। थैंक यू। और आपकी वीडियोस देखकर ही हम कई चीजें ऐसी हैं जो देख करके हम सीखे हैं। मैं आपको सामने ये चीज बोल रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें होती है सर, हर किसी को हर चीज नहीं पता होती है आपको छोड़ के, तो ऐसा नहीं है, मैं भी सीख रहा हूँ यार। तो वो चीजें हम जब वीडियोस देखते हैं कई, जैसे आपकी कोई गाड़ी की वीडियो रिव्यू आता है, कई बार आपकी ऐसी कई बार ऐसा होता है कि आप एक ऑल्टो गाड़ी का भी रिव्यू कर रहे हैं पर उसमें ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाती है, अच्छा। जो शायद हमने कभी सोची भी नहीं होगी कि वो ऑल्टो की गाड़ी की, अभी पीछे एक शायद वीडियो आया भी है आपका ऑल्टो का। तो ये था हमारा ओनरशिप रिव्यू रवि भाई के साथ स्कॉर्पियो N का, रवि भाई का ज्यादा एम्फसाइज करके बोल रहा हूं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। अगर आपको भी अब हमारे चैनल पे ओनरशिप रिव्यू कर रहे हैं, रवि भाई भी आ गए, तो नीचे दिए ईमेल आईडी पे हमें कॉन्टेक्ट कर लेना जी, बिल्कुल करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू।